मैं ट्रेन से अपने मायके जा रही थी। हमारे सामने वाले सीट में बैठे एक बुजुर्ग को मैंने बातों ही बातों में बताया कि मेरा यूट्यूब में एक स्टोरी का चैनल है। उन्होंने कहा, तब तो तुम्हारे चैनल के लिए मेरे पास एक सही स्टोरी है। अभी कुछ साल पहले जब मैं सुंदरबन गया था तो एक गांव में रुका था। वहां पर जो भूतिया मंजर देखा उसको सोचकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब तक उनकी कहानी खत्म हुई वहां इकट्ठे लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा नाम है पियाली, मेरा एक यूट्यूब का स्टोरी चैनल है। मैं अपने पति और बेटे के साथ मायके जा रही थी। न्यू दिल्ली से खड़गपुर तक का सफर था। कहानी की तलाश में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में स्लीपर क्लास की टिकट ली थी। स्टेशन में बहुत भीड़ थी, ट्रेन में भी चढ़ने के लिए धक्का मुक्की हो रही थी। जब हम सब ठीक से बैठ गए ट्रेन अपने सफर की ओर चल पड़ी। थोड़ी देर तो मैं खिड़की के पास बैठकर बाहर का दृश्य देखती रही। इतना लंबा सफर भला गपशप के बिना कैसे कटेगा। मैंने सोच लिया था इस सफर के दौरान एक कहानी जरूर ढूंढूंगी। सामने एक बुजुर्ग बैठे थे और उसके बगल में एक कपल, साइड अपर साइड लोअर में हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा था। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। जब मैंने अपने चैनल के बारे में बताया तो बुजुर्ग ने अपने कुछ साल पहले की सुंदरबन की कहानी शुरू की। मेरी रिटायरमेंट हो गई थी तो मैं एक महीने के लिए वहाँ एक गांव में रहने के लिए गया। गांव में रहने के लिए कोई भी होटल नहीं था। मैं वहाँ एक बासिंदा के घर में रुका। वो लोग बहुत ही गरीब थे, पैसों के लिए अपना एक कमरा किराए में दे दिया, पर एकदम साधारण सा कमरा था। मैं चादर और मच्छरदानी अपने साथ ले गया था। जंगल में मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। वहाँ पहुँचकर धीरे धीरे वहाँ के लोगों से मैं बातचीत करने लगा। उस गांव में एक बूढ़े बाबा रहते थे, सब उन्हें बूढ़ा दादू बोलते थे। वह बातूनी थे और तरह तरह की कहानी सुनाया करते थे। मैं उनके पास जाकर बैठ जाता और वह मुझे रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में बताते थे। बाघ अक्सर गांव के लोगों को उठाकर ले जाता था या फिर उनके जानवरों को। यहाँ के लोगों को इन सब की आदत पड़ चुकी थी। वह लोग बाघ से नहीं डरते थे बल्कि सावधानी से कदम उठाते थे। मछली पकड़कर उन लोगों का गुजारा चलता था। बहुत ही गरीब थे। उस गाँव में एक परिवार था, कालू और उसकी बीवी, बेटी सोनिया और बेटा तूतान। मेरी उन लोगों से दोस्ती हो गई। एक दिन कालू अपने भाई और गांव के कुछ लोगों के साथ मछली पकड़ने के लिए जा रहा था। 3 दिन के सफर के बाद वह वापस आने वाला था। उन्होंने खाने पीने और जरूरी सामान रख लिया था। एक नाव में बैठकर और मछली का जाल लेकर वे लोग निकल गए, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। दिन भर तो उन लोगों ने मछली पकड़ा, पर रात में नदी के किनारे नाव को रोककर खाना खाने लगे। कालू नाव से उतरकर थोड़ा अंदर बाथरूम करने के लिए गया, तभी एक बाघ ने उसके ऊपर हमला कर दिया। वह जोर से चीखा। उसकी चीख सुनकर बाकी लोग डंडा लेकर आए, पर काफी दूर दौड़ने के बाद भी कालू कहीं नहीं मिला। बाघ उसको लेकर शायद घने जंगल के अंदर चला गया था। काफी देर तलाश करने के बाद वह लोग उदास होकर घर लौट आए। उन लोगों को जल्दी आता देख गाँव के लोग नदी के किनारे इकट्ठा हो गए। कालू की बीवी और बच्चे भी आए, लेकिन जब हादसे का पता चला तो कालू का परिवार शोक में डूब गया। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि कालू इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। कालू के ऊपर 3 लोगों की जिम्मेदारी थी। अपनी बेटी की शादी करवानी थी, बेटे को अपने पैरों पर खड़ा करना था, उसे मछली पकड़ना सिखाना था। अब क्या करेंगे यह लोग, कैसे गुजारा कर पाएंगे? बच्चे अभी बहुत छोटे थे। एक बाघ ने इनकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। मैंने सोचा, न जाने कितने घर इसी तरह उजड़ जाते हैं यहाँ पर, फिर भी लोग खतरा उठाकर जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने और नदियों में मछली पकड़ने जाते हैं। कालू की लाश तक नहीं मिली अंतिम संस्कार के लिए। जब रात हुई गांव के लोग गहरी नींद में डूब गए, पर जंगल तभी जाग रहा था। अचानक गांव में एक औरत की चीख सुनाई दी। लोगों को लगा शायद बाघ आया है। सारे लोग डंडा लेकर निकले। वह औरत एक जगह खड़ी थी, पर जब लोगों ने उससे पूछा कि क्या हुआ तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, उसकी जुबान बंद हो गई। ऐसा लगा कि उसने कोई भूत देख लिया है, क्योंकि बाघ देखकर कोई ऐसे नहीं डरता इस गांव में। मैंने देखा जैसे जैसे बुजुर्ग अपनी कहानी सुना रहे थे आसपास भीड़ इकट्ठी होती जा रही थी। कुछ लोग उनकी कहानी सुनने के लिए अपर बर्थ के ऊपर चढ़कर बैठ गए और कुछ खड़े खड़े सुन रहे थे। आगे उन्होंने बताया, अगले दिन भी वह औरत बिल्कुल ही खामोश थी और उसकी आंखें खुली की खुली थी। रात हो गई, चारों तरफ अमावस का अंधेरा था। उस अंधेरे में छोटू बाथरूम करने निकला, पर छोटू की चीख से गाँव वालों की नींद खुल गई। गाँव वाले डंडा लेकर बाहर
आए, पर छोटू की भी वही हालत थी, आंखें बाहर आ चुकी थी और जुबान बंद था। तीसरी रात नीता को बाथरूम जाना था। उसने अपने पति दीपक को उठाया, वह अकेले नहीं जाना चाहती थी। अचानक दोनों पति पत्नी की चीख निकली। गांव वाले फिर से बाहर निकले। इस बार भी वही मंजर देखकर गांव वालों की रूह कांप उठी। आखिर किसे देखकर इन लोगों की यह हालत हो रही है? जो भी हो वह बाघ तो नहीं है। सुबह गाँव वाले बहुत ही परेशान थे। चार लोग इस तरह से बेजुबान हो गए थे, उनको किसी भी चीज का होश नहीं था। कुछ झाड़ फूक वालों को भी बुलाया गया, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने सोचा इन्हें कोई साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। मैं उन लोगों को यह बात कही। गांव वाले भी बहुत ही बेबस थे। उन्होंने कहा, बाबू इनको ठीक करने के लिए जो भी करना हो कीजिए। मेरा एक डॉक्टर दोस्त था, मैंने उसे कॉल करके गांव की सारी बात बताई। उसने कहा, मेरा एक दोस्त है जो साइकियाट्रिस्ट है और रिटायर कर चुका है। मैं एक बार उससे बात करके देखता हूँ, अगर वह गाँव आने को तैयार हो जाए। थोड़ी देर बाद मेरे डॉक्टर दोस्त ने फोन करके बताया कि गाँव वालों का हाल सुनकर वह आना चाहते हैं। उन्हें भूत प्रेत पर बिल्कुल ही यकीन नहीं है। उनको लगता है कि इनको कोई मानसिक बीमारी है और वह इलाज करके उन्हें ठीक कर सकते हैं। दो दिनों के अंदर वह साइकियाट्रिस्ट आ गए। डॉक्टर ने गांव वालों को देखा तो उन्हें कुछ दवाइयां दी। दो दिन के अंदर सारे लोग बोलने लगे। उन्होंने सबको बताया कि उन्होंने कालू को देखा था, उसका आधा शरीर से खून टपक रहा था। सभी लोगों ने बताया कि कालू का बाया हिस्सा पूरी तरह खून से लथपथ था। गांव के लोगों में हल्ला हो गया। सब लोगों ने इस बात पर विश्वास कर लिया। डॉक्टर ने कहा, भूत प्रेत बोलकर कुछ नहीं होता है, इन लोगों की दिमागी बीमारी है। इन लोगों ने यह चीज अपने मन में सोच लिया है, पर गांव वाले इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। तब डॉक्टर ने कहा, मैंने कभी भी कालू को नहीं देखा है, न ही उसकी तस्वीर देखी है। फिर आज रात मैं बाहर निकलूंगा, अगर मुझे कालू नहीं दिखा तब तो आप लोग यकीन कर लोगे ना। गांव वालों ने उनकी बात मान ली। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, कहीं डॉक्टर को कुछ हो ना जाए। डॉक्टर आधी रात को घर से बाहर निकले। उन्होंने अपने हाथ में एक टॉर्च ले लिया था। उनको लगा शायद कोई बदमाशी भी तो कर सकता है, लेकिन अचानक बहुत जोर से चीख आई। उस डॉक्टर की चीख सुनकर सब लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। डॉक्टर भी उसी हाल में थे जैसे बाकी लोग थे, आंखें फटी की फटी और जुबान बंद। अगली सुबह मैंने अपने डॉक्टर दोस्त को फोन करके सारी बात बताई। उस डॉक्टर ने एक दूसरे साइकियाट्रिस्ट से कांटेक्ट किया और कहा कि उनका ऑनलाइन इलाज कर देंगे। उस डॉक्टर ने जो दवाई बताई हमने उसे साइकियाट्रिस्ट को खिलाया और दो दिन के अंदर वह फिर से नॉर्मल हो गए। जब हमने डॉक्टर से पूछा कि वह क्या देखे थे, उन्होंने कहा, मैं एक आदमी को देखा था, उसका बाया हिस्सा खून से लथपथ था। मुझे लगा कोई बदमाश होगा जो इस वेशभूषा में लोगों को डरा रहा है, इसलिए मैंने उस पर टॉर्च मारी। टॉर्च की रोशनी बिल्कुल उसके शरीर के आर-पार हो गई, जो किसी इंसान के शरीर से नहीं हो सकती। वह एकदम करीब आ गया और तभी मेरे मुंह से चीख निकली। हमने देखा, यह कहानी कहते कहते उस बुजुर्ग व्यक्ति के सारे रोंगटे खड़े हो गए। जब मैं आसपास के लोगों को देखी, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने खामोशी तोड़ते हुए कहा, यह स्टोरी तो मेरे चैनल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यात्रियों ने कहा, हाँ चैनल में यह स्टोरी जरूर पोस्ट कीजिए।